और हाँ, एक और चीज गाइस, मैं आजकल ये देख रहा हूँ बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम वगैरह पे आ रहा है कि गेम की वजह से कई सारे लोग सुसाइड वगैरह कर रहे हैं। तो प्लीज डायमंड वगैरह इतना ज्यादा अपने पापा से या मम्मी से पूछ के लो, डायमंड लेना भी है ना। तब अगर वो लोग ना बोलते तो मत खरीदो। अगर तुम मेरी बहुत पुरानी स्ट्रीमें वगैरह याद देखोगे ना, तो उसके अंदर लिटरली मेरे पास कोई ड्रेस वगैरह नहीं है। मैं जब लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट किया, यूट्यूब से पैसे आने लगे, एंड उसके बाद में गेम के अंदर टॉपअप वगैरह करने लगा था। उससे पहले मैं टॉपअप वगैरह कुछ नहीं करता था। इवन यूट्यूब से पैसे आने के बाद भी कहीं समय तक तो मैंने इलाइट पास भी नहीं खरीदा है। तो हमें देख के अगर अभी हम ये चीज़ ले रहे हैं, बिकॉज हमारा प्रोफेशन है, लाइक हम गेमिंग करते हैं, तो हमारे पास गेम के अंदर जो भी चीज़ आती है ना, वो नई चीज़ आने के बाद हमें लगता है कि हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड के अंदर हम लोग हैं। अब जैसे अगर मैं डायमंड की फील्ड में रहूँगा ना, मतलब रियल डायमंड की फील्ड में, तो कोई नया डायमंड आएगा मार्केट के अंदर, तो मैं वो डायमंड को परचेस करना चाहूँगा क्योंकि उस फील्ड में मैं हूँ। तो इस तरीके से गेम के अंदर अभी मेरे को ये गेम बेनिफिट्स वगैरह दे रही है। लाइक अगर मैं एक वीडियोस डालता हूँ ना गाइस, सिंपल एक चीज़ मैं आप सबको बताता हूँ, कोई भी यूट्यूबर होता है वो आपके सामने 4,000 का टॉपअप करके डायमंड खरीदेगा 6,000, और वो वीडियो डालता है, 4,000 का इन्वेस्टमेंट किया उसने, वो वीडियो बनाया, और वो इवेंट अगर आप लोग सभी लोग उनके वीडियो देखते हो ना, और 1 मिलियन के आसपास व्यूज आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को 5 से 6 हज़ार का प्रॉफिट 4,000 छोड़ के हो जाता है। लाइक 10-12 हज़ार रुपीज़ वो लोग उस वीडियो से ही कमा लेते हैं। तो उन लोगों के लिए 4,000 डालना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न में 6 से 12 हज़ार, मतलब 6,000-7,000 रुपीज़ तो निकाल ही रहे हैं। तो उन लोगों के लिए वो प्रॉफिट वाली चीज़ है। बट आप अगर हमें देख के डायमंड डाल रहे हो, तो आपका डायमंड पैसा जा ही रहा है, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है उस वजह से, वो चीज़ की वजह से। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो भाई